आपने क्लास 11 के एडमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है, अगर आप उसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो वो चेंज आप अभी भी कर सकते हैं। लास्ट डेट से पहले पहले आप चेंजेस कर सकते हैं, और चेंजेस करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना है, अपने आपको बस लॉगिन करना है। यहाँ से वेबसाइट पर जाकर ही आपको स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे उसके बाद देखिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको व्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखना चाहते हैं वो देख भी सकते हैं। इसके अलावा देखिए नीचे प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। तो अगर आपको अपने फॉर्म में एडिट करना है अभी भी, तो आप बस यहाँ पर जाएंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर, इस पर बस आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से फॉर्म खुल जाएगा, और आप इसमें जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वो चेंजेस करके आप सारा का सारा वही प्रोसेस फॉलो करेंगे, जो भी चेंजेस करने वो चेंजेस किए, और लास्ट में फिर आपके पास ऑप्शन आएगा सेव प्रेफरेंसेस एंड सबमिट। तो आप बस इस पर क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म दोबारा से सेव हो जाएगा। जो आपने पहले फॉर्म सेव किया था वो हट जाएगा, उसकी जगह पर ये नए वाला फॉर्म सेव हो जाएगा। ऐसे ही आप एडिट कर सकते हैं, और लास्ट डेट से पहले पहले आपको एडिट करना है। लास्ट डेट होने के बाद ऑटोमेटिकली आपका फॉर्म लॉक हो जाएगा, उसके बाद आप उसको एडिट नहीं कर सकते। तो सेव प्रेफरेंसेस पे क्लिक कीजिए और पीडीएफ दोबारा से आप डाउनलोड कर लीजिए। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको इस ऑप्शन पे जाना है, सिलेक्ट फॉर्मेट, यहाँ आपको पीडीएफ सिलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा एक्सपोर्ट का। इस एक्सपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो पहले फॉर्मेट सिलेक्ट करते हैं और फिर एक्सपोर्ट। इस डाउनलोड पे क्लिक करके आप अपनी नए वाली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं।